हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान की कृपा को महसूस करना, उसका अनुभव करना और बाद में उसे याद करना, ये सब शरीर में कंपन ला देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा विश्वास हूँ, और विश्वास को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जैसे आज की अदालत देखो, क्या कहते हैं, पहले सबूत होना चाहिए, चाहे वो झूठा हो या सच्चा, पर विश्वास कोई सबूत नहीं मांगता। हमारे खुद के जीवन में ठाकुर जी की कृपा को बता पाना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बताऊं, मेरी हर सांस, जिंदगी का हर लम्हा ठाकुर जी की कृपा है। जीवन की सभी घटनाएं बताना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए आज इस वीडियो में आपको अपना एक बहुत छोटा सा अनुभव बताती हूँ, कैसे श्री जी ने अपनी कृपा हम पर करी। ये अनुभव आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। जब भी हम श्रीधाम बसाना जाते हैं, इस बात को याद जरूर करते हैं। बात थोड़ी पुरानी हो गई है, साल 2012 की। 24 दिसंबर 2012 को हम पहली बार बरसाना धाम गए। मेरी शादी के बाद ये पहली बार था। जब छोटी थी तब मम्मी पापा के साथ बहुत बार गई थी, पर तब की बातें इतनी याद नहीं थी, उस समय इतना भाव भी नहीं था। हम दिल्ली में रहते हैं, घर से दिन में 1 बजे के करीब निकले। धैर्य तब 1 साल का था। हम पहले वृंदावन गए, बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। रात के करीब 8 बजे का समय था, हम बरसाना के लिए निकल गए। ठंड का समय था, उस समय हमें बरसाना धाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस ये सोचा कि वहां पहुंच जाते हैं, वृंदावन जैसी ही जगह होगी, रात वहीं बिताएंगे। वृंदावन से 1.5 घंटे का रास्ता है, लोगों ने तो यही बताया। बस जल्दी जल्दी पहुंचकर वहीं सोएंगे और सुबह सबसे पहले किशोरी जी के दर्शन करेंगे, मन में ऐसा ही विचार था। हम निकल गए, भयंकर ठंड और कोहरा। धीरे धीरे ड्राइव करते हुए चल रहे थे। हाईवे तक का रोड सही था, कोई परेशानी नहीं हुई। बरसाना कट में मुड़े, चारों तरफ सन्नाटा, खामोशी। ये नजारा देखकर हमारे हालत कुछ खराब सी हुई। हमने ये सोचा नहीं था कि गांव का, खेतों का माहौल ऐसा होगा। हमें सुबह बरसाना जाना चाहिए, हमें तो लगा था वृंदावन की तरह ही होगा, खूब चहल पहल, रोशनी होगी, पर वहां का ऐसा सन्नाटा भरा नजारा देख हमारी हालत खराब हो रही थी। ऊपर से ठंड और कोहरा, एक छोटा बच्चा साथ में। वहां पहुंचकर लगा शायद हमने कुछ गलती कर दी, हमें सुबह ही आना चाहिए था। खैर, फिर भी हमें बिहारी जी, राधा रानी पर पूरा विश्वास था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस समय हमें रास्तों का भी इतना पता नहीं था, गूगल मैप देखते हुए जा रहे थे। उस पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि गूगल मैप पे ना कई बार क्या होता है कि वो किसी छोटी गली या गलत रास्ते में भी डाल देता है, और खेत के बीच में से कोई रास्ता जा रहा हो तो ये भी डाउट मन में था। खैर, वहां रास्ते में हमें एक रेलवे फाटक मिला। पूरे रास्ते हमें कोई आदमी नहीं दिखा, ठंड की वजह से सब अंदर ही थे। जबकि वैसे समय ज्यादा नहीं था, पर गांव में सभी जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं, तो शायद इसीलिए, और वैसे भी ठंड बहुत भयंकर थी, तो इसीलिए सब घरों के अंदर ही थे। उस रेलवे फाटक पर मेरे हस्बैंड उतरे और बोले मैं आगे का रास्ता पता करके आता हूँ। वो चले गए उतर के। बाहर इतनी ठंड और कोहरा था कि उनकी गाड़ी से उतरते ही वो दिखने बंद हो गए, कहाँ गए नहीं पता चला। अंदर गाड़ी में मैं, मेरे देवर और धैर्य, काफी देर इंतजार करते रहे, मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए। अंदर बैठे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, उतर कर जाके देखें क्या करें, कहाँ क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा था, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी क्या होता है, गांव में ना लूटपाट जैसी वारदातें भी हो जाती हैं, तो मन इससे भी थोड़ा डर रहा था। हमारे पास कुछ ओढ़ने के लिए या बहुत ज्यादा हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। काफी देर बाद मेरे हस्बैंड वापस आए और बोले वो रेलवे गार्ड रूम में सब बंद करके सो रहे थे, उठाने में समय लगा। उसके बाद वो बोले आगे का रास्ता खराब है, कुछ भी हो सकता है। वो गार्ड कह रहा था कि आपने इस समय में आकर गलती की, वापस वृंदावन चले जाओ। अब हम क्या करें, फिर भी मन में राधा नाम की महिमा गाते हमने आगे जाने का ही सोचा। धीरे धीरे आगे बढ़े, घना कोहरा, आगे का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि खुले और खेतों के रास्ते में ज्यादा कोहरा हो जाता है। ऊपर से कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मन बोल रहा था कि राधा रानी कृपा करेंगी, राधा रानी ही भला करेंगी। खेतों में कोहरा और घना होता जा रहा था, डर बार बार दिमाग पर हावी हो रहा था। ऐसे तैसे हम बरसाना धाम पहुंच गए।
रात के 10:30 बजे थे। चारों तरफ शांति, इतनी ठंड थी कि सड़क पे कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली भी नहीं दिख रहे थे। आदमी क्या आदमी की जात का भी दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। कुछ थोड़े घरों के बाहर 0 वॉट के बल्ब लगे थे। अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक चाय की दुकान दिखी, वहां शायद एक चौकीदार भी खड़ा था। उससे पूछा, यहाँ कोई होटल धर्मशाला कुछ होगा? वो बोला, साहब इतना लेट हो गया है, कोई धर्मशाला वाला नहीं खोलेगा। हम बड़ी बेचैनी में, अब करें तो करें क्या। एक दो जगह पूछा भी, धर्मशाला खटखटाई, पर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। अंदर से ही बोल दिया, कमरा नहीं है। हम सब बड़ी दुखी हो रहे थे, अब करें तो करें क्या। अब लास्ट में हमने फैसला किया, एक पेड़ के पास ही गाड़ी लगा दी और सोचा गाड़ी में ही रहते हैं, सुबह कुछ रूम वगैरह देखेंगे। गाड़ी में भी बहुत ठंड भयंकर थी, हालत खराब हो रही थी। ऊपर से जो छोटा बच्चा साथ था वो रो रहा था, हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अभी तक बरसाना धाम के विषय में सिर्फ सुना था और हमारा पहला अनुभव ऐसा, मन कुछ दुखी सा था। मेरे हस्बैंड बोले, तुम तो बरसाना धाम की बड़ी कहानियां सुनाती थी और देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरे मन से सिर्फ एक प्रार्थना निकली, प्यारी राधे तुम तो करुणामय सरकार हो, हम पापी हैं ये मैं मानती हूँ, पर पापियों को भी तो तुम ही ताड़ती हो। कृपा कर दो माँ, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कुछ तो सहारा दो। आप मानोगे नहीं, हमने तभी सामने दूर से कुछ एक रोशनी सी दिखी। रोशनी हम धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। एक युगल जोड़ा वहां से निकला, हाथ में लालटेन थी। जब वो हमारी गाड़ी के पास से निकले तो हमने उन्हें रोक कर पूछा कि यहाँ कोई धर्मशाला या जगह है जहां हम रुक सके। उन्होंने हमें थोड़ी दूर पर एक गेस्ट हाउस बताया और आगे चले गए। अंधेरे की वजह से हम उनका चेहरा नहीं देख पाए, हमें कुछ तसल्ली सी मिली। हम उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचे, लगा बहुत महंगी जगह होगी, इतनी लेट नाइट और हमारी परेशानी देखकर तो ये गेस्ट हाउस वाला हमसे चार्ज भी ज्यादा ही करेगा। पर जो भी हो, इस समय तो जगह चाहिए ही चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। गेस्ट हाउस का गेट बंद था, मेरे हस्बैंड ने नीचे उतरकर गेट खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकलकर बाहर आया। मेरे हस्बैंड ने कमरे के लिए पूछा तो उसने गाड़ी में झांक कर मुझे देखा और बोला, अंदर आ जाओ। बिना और कुछ पूछे उसने कमरा दे दिया, वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज पर। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी आराम से रूम मिल गया, जबकि अभी 10 मिनट पहले तक हम इतना परेशान थे। ये थी हमारी राधा प्यारी की कृपा। पर है ना, अभी भी परेशानी थोड़ी सी थी, हम सभी बहुत भूखे थे, बच्चा था वो भी रोए जा रहा था। गेस्ट हाउस वाला बोला, दूध ब्रेड बटर ले लो, डूबते को तिनके का सहारा बहुत। बिलीव मी, वो रात, वो दूध ब्रेड बटर फुल लाइफ कोई नहीं भूलेगा। मन बार बार बस यही कह रहा था, बरसाना धाम आओ और राधा रानी भूखा छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। वो दिन और आज का दिन, जब भी हम श्री धाम गए बिना बरसाना दर्शन किए कभी वापस नहीं आए। दिल्ली में ज्यादातर सब क्या करते हैं, मॉर्निंग में जाओ बिहारी जी के दर्शन करो और शाम तक वापस दिल्ली। पर उस दिन के बाद हमारी लाइफ में तो टर्निंग पॉइंट आ गया, बिना बरसाना धाम जाए हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। हमारी सराउंडिंग में, हमारे फ्रेंड्स फैमिली में सबको पता है, अगर कोई मजाक में भी हमें कह दे कि हमारे साथ श्रीधाम चलो तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे धैर्य की छुट्टी करवानी पड़े, मेरे हस्बैंड को बिजनेस में कुछ भी नुकसान हो या ब्रदर इन लॉ को कोई भी काम छोड़ना पड़े, बट हम तीनों हमेशा रेडी रहते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई, जब बिहारी जी बैठे हैं वो सोचेंगे, हम क्यों सोचे। अपने पूरे प्रेगनेंसी टाइम में हर महीने, और ध्रुव जब 1.5 महीने का था तब से हम हमेशा गए हैं। हमारी एक बहन चित्रा है, डॉक्टर चित्रा, उन्होंने मुझसे पूछा, आप कैसे मैनेज करते हो इतने छोटे बच्चे के साथ ट्रेवल करना, ऊपर से वहां तो मंदिर में भीड़ भी बहुत होती है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, अरे भाई ये सब अगर मैं सोचूंगी तो मेरे बिहारी जी क्या करेंगे। जब बेबी बिहारी जी ने दिया है तो उसका ध्यान भी वही रखेंगे, राधा रानी केयर करें, मैं कौन होती हूँ कुछ भी करने वाली। अगर मेरे करने से कुछ भी होता तो बात ही क्या होती, करने वाले तो वो है, होगा वही जो मेरे राधा कृष्ण चाहेंगे। अगर सभी मेरी बात से सहमत हो तो जोर से जयकारा लगाओ, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऊंची अटारी वाली की जय। इस घटना ने कहीं भी आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि औरों को भी कुछ प्रेरणा मिले, उनका विश्वास भी हमारे बिहारी जी पे, हमारी राधा रानी पे पक्का हो।
हमेशा याद रखो, अपने इष्ट पे विश्वास कभी कम ना होने दो, बाकी वो हमारा ध्यान रखने के लिए बैठे हैं। हरे कृष्णा राधे राधे।